वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ लेजी गर्ल्स गाइड टू मेकिंग इंडो चाइनीज फूड। आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। यू कैन पेयर दम अप विद एनी ग्रेवी और ईट दम एज इज। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको 2 ग्लास बासमती राइस को धो के 30 मिनट्स के लिए सोक कर देना है। उसके बाद आपने पानी बॉयल करना है और उसके अंदर सारे राइस को ट्रांसफर करना है। एटलीस्ट इतना वाटर लेवल आपको रखना है। फुल हाई फ्लेम पे आपने चावल उबालने हैं। जब आपको बबल्स में चावल नजर आने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि अब आप चम्मच मार सकते हैं क्योंकि आप चावल नहीं टूटेंगे। जस्ट चेक देम वंस और ट्वाइस, दे विल बी डन। जब आपकी डिजायर्ड सॉफ्टनेस वो पहुंच जाए, सारा पानी ड्रेन करें और रिमेनिंग पानी के साथ इसको दम पे रख दें। अब एक वॉक में ऑयल गरम करें और उसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लें। जब अंडा पक जाए तो उसको एक दूसरे बोल में ट्रांसफर करें और अपनी सब्जियों को सौते कर लें। मैं यहाँ पे शान मसाला यूज़ कर रही हूँ। इस स्टेप के बाद आपने तमाम स्क्रैम्बल्ड एग्स को वापस डालना है और 1-2 मिनट्स के लिए अच्छे से स्टर फ्राई करना है। उसके बाद सोया सॉस ऐड करें। आप लाइट डार्क कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए कुक करें और उसके बाद अपने चावल ट्रांसफ़र कर दें। 2 चम्मच लेके आपने इसको टॉस अराउंड करना है ताकि चावल टूटे ना। हल्के हाथ से करना है। And you are done. It's that simple.